तो ये है रेगनी का काटा। मजबूत हो जाता है हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवोस डेस्टिनेशन एंड इट्स मी दिव्या। इफ यू न्यू टू दिस चैनल सो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले। तो आज है भाई दूज एंड अभी एकदम सुबह सुबह का टाइम है। अब मेरा आवाज से तो आपको पता चल ही रहा होगा एंड अभी सुबह का 8 बज रहा है और मेरा हुलिया देख लो, हम कुछ नहीं सुबह सुबह सिर्फ उठे हुए हैं, अभी कुछ नहीं हुआ। तो आज है भाई दूज और भाई दूज का पूजा के लिए जाना है अभी रेडी होने के लिए। तो आज भाई दूज में क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है हमारे घर में सो आप देख लो। हम एक काम करते हैं, हम पहले रेडी होके आते हैं जल्दी से, उसके बाद अच्छे से बात करते हैं। ओके, तो हम अभी रेडी हो गए हैं, ठीक ठाक सिंपल से ही रेडी हुए एंड सनलाइट में वीडियो बहुत अच्छा आता है तो इसलिए हमें भी इधर है। ओके, तो हम तभी बता रहे थे कि आज भाई दूज है एंड हम एक चीज बोलना भूल गए थे कि मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी भाई दूज एंड आज चित्रगुप्त पूजा भी है। तो वैसे मेरे घर में चित्रगुप्त पूजा नहीं होता है लेकिन फिर भी जिनके घर में भी होता है उनको भी चित्रगुप्त पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम इधर आ गए हैं क्योंकि अभी वहां पर दीदी को डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि दीदी को भी रेडी होना है सो हम इधर आ गए। तो अभी हम बता देते हैं, तो हम अभी मतलब पहले हम दिखा देते हैं हम क्या पहने। वैसे हम कुछ खास नहीं, सिंपल से ही पहने हैं। तो आज हम आपको बिहारी कल्चर से भाई दूज का बारे में दिखाएंगे कि हमारे बिहार झारखंड में किस टाइप का भाई दूज का मतलब की होता है प्रोसेस। आज भाई दूज है, भाई दूज मतलब हमारे घर में मतलब कि आज के दिन पिट्ठा जरूर बनता है। अगर आप बिहार झारखंड से बिलोंग करते हो तो आप पिट्ठा जरूर जानते होंगे। तो आज के दिन हम लोग का कंपलसरी है कि पिट्ठा जरूर बनता है और बहुत सारा वैरायटी बनता है जैसे कि दाल पूड़ी, पिट्ठा एंड खीर। ये तीन आइटम तो कंपलसरी है कि मम्मी हर साल बनाती है और हम लोग का बिहार में हर किसी के घर में बनी जाता है बिहार से जो बिलोंग करते हैं। एंड चलो पहले हम दिखा देते हैं कि अब वैसे हम लोग का मतलब कि मेरा जो भाई दूज का आगे जो प्रोसेस था वो मेरा नहाने से पहले स्टार्ट हो गया था क्योंकि उसमें एक रेगनी का काटा होता है। सो अभी उस टाइम हम ना मतलब कि ऐसा कुछ होता है कि मतलब कि भाई को गाली देकर रेगनी का काटा को मुंह में गड़ाना होता है एंड उसके बाद जब हम पूजा कर लेंगे उसके बाद जब पूजा सारा कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि उसी रेगनी मतलब वो दूसरा रेगनी का काटा से ही मतलब कि मुंह में गड़ाएंगे कि उसी मुंह से गाली दिए जिस मुंह से गाली दिए भाई को उसी मुंह पर फिर से काटा गड़ाना होगा। सो मतलब ऐसे ही कुछ का प्रोसेस होता है। अब पता नहीं इसके पीछे क्या स्टोरी है, हमको भी ठीक से क्लियर नहीं पता है। बस मतलब कि ये हमारे कल्चर में होता है कि रेगनी का काटा बस गड़ाना होता है मुंह में, तो वो मतलब कि बासी मुंह में ही करना होता है। सो बासी मुंह में कर चुके हैं हम, अभी दिखाते हैं कि रेगनी का काटा कहाँ है। आपको दिखाते हैं कि हम लोग का भाई दूज का थाली में क्या क्या मतलब अभी रख रहे हैं।
हम किचन में आए हैं और मम्मी यहाँ पर पिठा बनाने का प्रोसेस में लगी हुई है और अभी हम लोग पूजा करके आएंगे तब हम लोग को पिठा खाना होगा। हेलो मम्मी। और यहाँ पर मम्मी एप्पल कटिंग कटिंग करके अभी पापा को देगी ना। पापा को देगी मतलब घर में जो गेस्ट आए उनको देगा। स्टार्ट हो चुका है और इधर मम्मी कुकर चढ़ाई हुई है, आलू कटा हुआ है, चना बॉईल हो गया है, शायद छोला बन रहा है और इधर खीर बन चुका है। तो रेगनी का काटा बाद में दिखाएंगे हम, क्योंकि मेरा पूजा का कुछ सामान घट गया था। तो सो अभी हमको जाना है कुछ सामान लाने के लिए और पूजा के लिए कुछ मिठाई विठाई भाई के लिए। सो अभी हम जा रहे हैं कि हम सबसे पहले रेडी हो गए थे, अभी तक कोई भी रेडी नहीं हुआ है। सो अभी हम जाते हैं और सामान लाते हैं। ओके, तो अभी हम घर पहुंच गए हैं एंड अभी हम पूजा रूम में हैं। तो पहले आपको हम रेगनी का काटा दिखा देते हैं। ओके, तो ये है रेगनी का काटा जिसको हम लोग पूजा करने के बाद एक बार फिर से गड़ाएंगे। एंड ये वो रेगनी का काटा है जो हम लोग ऑलरेडी गड़ा चुके हैं मुंह में। ओके, तो अभी हम तो रेडी थे पहले से, लेकिन ये तुलसी भी रेडी हो गई है। हाय बोलो। हाय। और ये पता नहीं, इसको अभी शायद दुकान जाना है सो इसलिए अभी मुंह बना लिए। ओके, तो अभी मेरा थाली लगभग रेडी हो गया है, तो पहले देख लो आप। यहाँ पर ये पूजा में चढ़ाने वाला कुछ सामान है, मिठाई है, किसमिस, ये यहाँ पर फूल, रुई है और ये दिया है, दिया, फिर ये अक्षत और ये चना है। एक चना तो हम लोग का पूजा में कंपलसरी होता है और यहाँ पर ये रेगनी का काटा। और इधर पानी में, लोटा में पानी जल ले लिए हैं थोड़ा सा पूजा के लिए। और इधर ये धूप है पूजा के लिए। हेलो जी, बोलिए। हाय। ये तो खुला हुआ नहीं है, खोल लो ना। ओके, तो अभी हम लोग पूजा करने आ गए। यहाँ पर ये है हम लोग का पूजा करने का जगह। यहाँ पर ये गोबर से क्या क्या बना हुआ है अपनी फ्रेंड को दिखा रही हूँ। और यहाँ पर धीरे धीरे करके सब लोग आ रहे हैं। ये गुम हो रहा है, माचिस देखे तैयार कर, मेरा भी माचिस छोड़ दे।
और अब तो एक दिन गोधन कुटने बैठी सुखनी दुखनी दोनों, तो सुखनी पहले आई तो उसको खूब आदर सत्कार के साथ भाई के पास ले गई, गोधन उधन खिलाई। और दुखनी जब आई तो बोली कि नहीं नहीं भैया नहीं है, कहीं गए हैं, काम से नहीं है। अच्छा भतीजा को खिला देते हैं, नहीं भतीजो नहीं है, भतीजो कहीं गया तो बहन के आन किया सब, उसकी बहन रोज सब मैंने सैयार के रखती थी झाड़ू खोल के, जो देखने लगी तो सारा बच्चा उसमें उसका छटपटाने लगा, छोटा छोटा बच्चा था, तो एक ठो बच्चा का पूछ कट गया, तो उसका बच्चा का पूछ कट गया। पूजा डन हो गया है, यहाँ पर सब कुटने का काम हो गया है, जो भाई दूज में कुटना होता है, अब जाके भाई को प्रसाद खिलाना है। तो चलो अब चलते हैं घर और क्या। एक तो हम खिलाए A few moments later। तो अभी हम लोग का घर आने के बाद अभी जल्दी से भूख बहुत जोर से लगा हुआ है, तो अभी हम लोग खाना निकाले हुए हैं, और खाने में क्या क्या है वो बताते। तो अभी खाने में है ये दाल पूरी और हम लोग का ये पिट्ठा जो कंपलसरी है, जो हमेशा मतलब भाई दूज में ये जरूर बनता है, और ये भी जरूर बनता है, और ये भी, और ये खीर भी, और छोला भी, हाँ नहीं हाँ ये सब्जी। तो यही आज हम लोग का खाना। ओके तो हम लोग का खाना वाना हो गया था, एंड इसके बाद अभी हम लोग आंटी के घर गए हुए थे, और बहुत देर हो गया आने में। सो आज का वीडियो मेरा ऐसे ही था, यही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।